निमिदार के थे जामे थे के इंग्लैंड वाले हो गए पुर्जी उतार लेता अब मैं तो तय की ना पे रुशिया होने हाँ छोटे ही बोले मारे तो दंगी सांड के लिए कटी कई कहा गया तमाको होगा तमाको कौन ये पिस होगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नातूसरी चोपटा में। यहाँ पे आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है धरने प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहूँ तो आज नातूसरी चोपटा के अंदर जो पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल हैं, कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने पीछे कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ा था, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार कांग्रेस पार्टी का जारी है। इससे पहले बात करूँ तो भरत सिंह बेनीवाल की अगुवाई में एक दिन पहले एलनाबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया गया था पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ साथ अगर बात करूँ तो भरत सिंह बेनीवाल के साथ जो कांग्रेस पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर सुभाष जोधपुरिया हैं वो भी इस प्रदर्शन में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे वो कालांवाली बड़ागुड़ा का प्रदर्शन की बात हो या चोपटा के प्रदर्शन की बात हो या फिर एलनाबाद के प्रदर्शन की बात हो, अभी तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो अगुवाई करते हुए चोपटा शहर के अंदर शहर भर में प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। और अभी कुछ ही समय बाद आगे अगर बात करूँ तो तहसीलदार साहब को ज्ञापन ये यहाँ पे इस माध्यम से सौंपने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लगातार पूरे शहर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांग की बात करूँ तो सीधी सीधी यही है कि पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए रेट हैं उनको वापस लेने की, यानी कि पेट्रोल डीजल के रेटों को कम करने की मांग को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक अगर बात करूँ तो तमाम कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार में जब पेट्रोल डीजल के थोड़े से भी दाम बढ़ते थे तो अर्धनग्न होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन किया करते थे। तो ऐसे में अब वो तमाम नेता कहाँ गए न जाने, जो 20 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट में वृद्धि होने के बावजूद भी वो जो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करने वाले नेता कभी सामने नहीं आते हैं। चलिए अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने वाले हैं, उसके बाद भरत सिंह बेनीवाल जी से और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। मुर्दाबाद, 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 भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आवाज दो, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास हमारा ये ज्ञापन पहुंचाने का काम करें। रोज को डीजल बदल है, कोई हद ही है, पेट्रोल सस्ता है, डीजल महंगा हो रही है, ट्रैक्टर चला क्यों, खेती दूध अलग है, तीन हाथ टंकी 5,000 की बना, तड़के 5,500 की फ्रिज है, पर जो 6,000 की फ्रिज है। हफ्ता बाद में फिर जी अगर न सकेंगे तो हाँ ये नहीं लिए तो फिर रोडों पे हाँ विधायक जी आज को जो प्रदर्शन है वो के बात में ले गए हैं भाई। सारी बातें हर एक आदमी के लिए है। पहली बात तो क्या डीजल को हम भाव बहुत ज़्यादा बदल रही है, डीजल पेट्रोल को। फिर हर एक दुकानदार दुखी है, हर एक जमींदार दुखी है, हर एक किसान दुखी है, हर एक मजदूर दुखी है। जे फसल भी की बैंक अब तीन पीछा को नहीं आया, सर्चियों लोग ली को नहीं। कल भी मैं बड़े एलनाबाद गए, बड़े सर्चियों ट्रालियाँ जान ला रही, जो सरकार ले आते बताई सर्चियों को रखो। तो इं करके लोग दुखी है सारा। वायदा जरूर कराया बेथा काम एक भी कौन करो। अब जमाल के अंदर बारह 11,000 रुपया मुआवजा मिले है और बरासरी में आँख कुताना आँख में मिले 1200 रुपया। वो के तुक बने बताओ बैठे कोई नक है हो गए कि सिस्टम है। अरे बाकी काम हम आए ही को नहीं, एक आधा बेकू बने हैं तो यह कोई जुलम बर्दाश्ती है। एक आधे कह रहे मुआवजा आ गयो, मुआवजा आ गयो, बाकी खाली रहे। हाँ तो झूठा वायदा करे, वोट ले लिया, वोट ले गए और अब कोरोना सिस्टम चला रखे।
तीन दिन पकड़े के ले जाए अगले कोरोना कोरोना तो घरे गल दे आप कमीशन ले बना और कहेंगे कोरोना को कराना सब सिस्टम है आपको पिज्जा आपकी कमीशन खान ला रहे तड़के ने वो सिस्टम है ना आ कोरोना खत्म हो जाएगी खजाना खाली कर देगा तो विधायक जी एक जब कांग्रेस में मान लो जब पेट्रोल डीजल का रेट थोड़ा सा बढ़िया करता भाजपा का जगह नेता अभी कुर्तिया को कुर्तिया उतार लेता अब मैं तो की ना पे रोशिया होने छोटे ही को नहीं मारा तो रोज का ही उतार ले एक बार रोज काट लिया कुर्तिया की कभी टांग पजामा वाली काट लिया कभी ये पड़ लिया कभी जोड़ी पड़ लिया ये पड़े रोज का ही मैं तो तेरे पहले ही ना मन लोगों ने शर्म पहना है तो बेशर्म आगे तो कहेंगे लुगाई देखे ही कहेंगे चोरी देखी आगे तो है को नहीं मन तो शर्म को नहीं मन तो शर्म है मन तो तेरे की करना पड़ेगा मन तो पैर नहीं पड़ेगा क्यों माने तो बहन बेटियां दी के सामने तो माने पैर न पड़ा बहन बेटियां बेरे को नहीं के शर्म हो के लिहाज हो के अपने सोच हो न्यूनतम मूल्य लागू किया गया खाद का कट्टा रेट बताया है कणक को रेट कौन बताया नहीं थोड़ा बहुत बताया है अन्नो दो अन्ना अरे आपने खाद का बताया सैकड़ों के हिसाब और कणक ली को नहीं और खाद मिले को नहीं मैं पर्ची ऊपर ले दिन सारे फिर गए सारी सोसाइटियां में खाद मिली कौन डी ए पी पहले जी की सरसों 3,000 3,200 भी क्या करती तो सर से वो रेट बढ़ायो को नहीं कांग्रेस की राज में के सोनो के रेट और सर की वो नरमा के रेट हो दे दे के मिसाली टूटा लाते रे राज में पराली गई लिहाज में दीरी गई ब्याज में अरे उड़ा तेरा राज में दीरी गई ब्याज में लोगा लोगा गालियां ले नहीं मौलमा पर नाम लिखायो के दीरी का कमाल तो देते दीरी बढ़िया बिकी 6,000-7,000 देते लोगा लिखायो अब तो ट्राली गालियां टेरी कौन चले नहीं सारा गेटी से लाग दे देख ले जंगली सांड के लिए गेटी पकड़ एक आखिरी सवाल करूंगा जी अशोक तंवर की चर्चा चल रहा है जो पहले कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष साहब क्या भी इन लोग जान की संभावना है बांगी के कहना चाहूंगा मैं तो फेल लड़ा कर तू सी दिया के पटा कैप कर तू कोई नहीं हो छोटा टपरु दे नहीं छोटी बा पटा का बा बा पेटी हो रही है मैं मांग कई का के तमाको को नहीं फिस हो गई इसे तो बिल्लू है फिस हो रही है हो गई लगातार लोग जुड़न लाग रहे पार्टी नाम ले मैं कोई बीजेपी में गया उठावे अब लेनली पर यहां कैंडिडेट ही खड़े को नहीं मैं बिन उठ गया कोई भाई फुटा लग गया और के 90 पर एक पर आ गया तो के हूं 90 सीटें ही 90 में बाकी तो डिसमिस ही तो वे कितनी देर फिर ही है मैं फिर तक नहीं या छोटे उतर के तुम्हें तड़े खड़े हो जे नहीं या बीजेपी और छोटी सरकार ये तड़े खड़े हो गया अच्छा आली छोटी आली दुकान ली पट गई मैंने मैं की सामान दी को बिन उठ गया अपुटा कांग्रेस का नहीं आ जाएगा मानने तो मर जाएगा नहीं आना जाए मैंने इलेक्शन से अब सरपंच हो देते हैं झटको दिखावा लोगों ने फिर एमएलए का हो देगा एक तरफी सरकार बनाओ अब खड़ा देखो विधायक बने हैं अभय सिंह चौटाला जी तो बे केतरियों बने हैं अभी आपके दम पर बने हैं काम दम पर बने हैं पीछे तो खाते बन गए मैं तो पूर्ण मैं तो की बिगड़ियों को नहीं मालूम पाजी वो पूर्ण मार गया था क्या बल लगायो पीछड़ा अब वो 61-62 कर तो वो फिर है वो तो आगे बल्ले होगा इलेक्शन के लड़ने में तो घरेलू लड़ने वाली बात है बल्ले 2 महीने तो बारी को नहीं चप्पली सुती रही मैं अब लोगों ने कहा कब को बैठे चुनाव कर
अरे कभी बात में ही एक दिन कौन गया था ध्यान ठीक है जी। तो मारी सारी हाथ जोड़ के बनती है भैया ते मारो साथ दियो मैं धर लिया लोग ये जनता ही आवाज है मैं कौन बोलना मारे आंगली मारा ले रहा बोल दियो ठीक। हाँ जी सर, आने वाले समय में किस तरह का प्रोटेस्ट कांग्रेस की ओर से किया? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चोपटा की जो कांग्रेस है उसने आज हमारा एक उस पार्टी की मुहिम को जारी रखते हुए और रोडों पे प्रदर्शन करके सब आम किसान मजदूर गरीब की जो कमर तोड़ महंगाई है इसका विरोध करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया है ताकि इस गुंगी बिहारी सरकार को कुछ होश आए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी यदि इससे बाज नहीं आई तो इस आंदोलन को लोगों की महंगाई की कमर तोड़ महंगाई की जो आंदोलन को जन आंदोलन बनाती हुई इस सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन किया गया था तहसीलदार साहब को जो एक राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान अगर बात करूँ तो भर सिंह बनवाल और सुभाष जोधपुरिया दोनों कांग्रेसी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए रेट है वो वापस नहीं लिए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जनता को साथ लेकर के ये जन आंदोलन का एक रूप इसको दिया जाएगा जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के इन धरना प्रदर्शनों से पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट होती है या फिर पेट्रोल डीजल के रेट जो है वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।